देखो रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड ससेप्टेबिलिटी के अंदर परमेबिलिटी का सिंबल है म्यू आर और ससेप्टेबिलिटी का मतलब है काई एम। अब ये रिलेशन निकालने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट ये है, मान लो आपके पास एक सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड में आई अमाउंट ऑफ करंट है, इस सोलेनोइड के एक्सिस पे बी जनरेट हो गया कितना, म्यू नॉट एन इंटू आई, और ये वैक्यूम है तो मैंने यहाँ पर बी नॉट वैक्यूम में लिखा हुआ है। तो ये रूल सबको पता है, सोलेनोइड के एक्सिस पे बी कितना जनरेट होता है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तुमने क्या किया, यहाँ पर एक आयरन का पीस रख दिया बीच में, लोहे का पीस रख दिया, लोहे का पीस क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। देखो जो लोहे का पीस है वो इसमें रख के मैग्नेटाइज हो गया, अब लोहा भी मैग्नेट बन गया। जब लोहा मैग्नेट बना तो ये भी तो कुछ बी कंट्रीब्यूट करेगा, पहले नहीं कर रहा था, पहले तो अकेला सोलेनोइड का ही बी था म्यू नॉट एन आई, पर लोहे का पीस भी मैग्नेट हो गया, लोहे का पीस जो मैग्नेट हुआ वो भी तो बी अप्लाई करेगा, तो इसने भी यहां पर बी अप्लाई कर दिया। तो अगर पूछूं इसने कितना बी अप्लाई किया, आपको सिखाया था म्यू नॉट इंटू आई, याद है, म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट इंटू आई, और सोलेनोइड ने बी कितना लगाया हुआ है, म्यू नॉट को किससे मल्टीप्लाई कर दें, एच के साथ, एक ही बात है एच की फॉर्म में ये रहा। तो सोलेनोइड का बी कितना है, म्यू नॉट इंटू एच, आयरन का पीस जो मैग्नेट बन गया उसने बी कितना लगाया, म्यू नॉट इंटू आई, क्योंकि आई जो है, आई का मतलब सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ वो वैल्यू बताती है, और म्यू नॉट को आई से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टेस्ला में टर्म आ जाती है, तो वो जो मैग्नेट बना उसने इतना टेस्ला प्रोड्यूस कर दिया। कुल मिला के अब इसके एक्सिस में कितना टेस्ला जनरेट हो गया, वो टेस्ला तो था ही था म्यू नॉट एच, और म्यू नॉट इंटू आई भी जनरेट हो गया, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हुआ चेक करो, म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट टाइम्स आई। ये तो मैंने ऑलरेडी सोलेनोइड में प्रोड्यूस किया ही हुआ था, और ये साथ में उस आयरन के पीस ने भी डेवलप कर दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है, इन दोनों का सम बी है, बी का मतलब है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखना, और चाहो तो ऐसा कर भी सकते, ये बी एम कर लो, बी एम का मतलब है अब ये वैक्यूम नहीं रहा, क्योंकि वैक्यूम और आयरन का पीस है, और वैक्यूम और आयरन के पीस के मीडियम को बी मीडियम बोलते हैं। अब ये वैक्यूम नहीं ना, क्योंकि वैक्यूम के अंदर तो तब था, अगर ये आयरन का पीस ना होता तो वैक्यूम चल रहा था, पर तुमने वैक्यूम एक मीडियम ऐड कर दिया, तो आपका मैग्नेटिक जो फील्ड आया वो बी नॉट नहीं है, वो बी एम है। तो अपने असाइनमेंट में यहां पर बी एम बी एम बी एम कर लो, यहां से म्यू नॉट कॉमन आ गया, पर आई की वैल्यू क्या होती है, काई क्या था, आई बाय एच, आई क्या है, काई इंटू एच, अभी किया था तो आई की जगह काई इंटू एच, तो आपके पास टर्म क्या आ गई, आपके पास ये टर्म आ गई, आपने यहां पर आई की जगह काई इंटू एच पुट कर दिया, ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई, ऐसे। अब तुम एक काम करो, इस एच को इसके नीचे ले जाओ, एच को जब नीचे लेके गए, अब देखने वाली बात यह है कि अगर मैं बी नॉट लिखता हूं तो मैं यहां पर म्यू नॉट इंटू एच लिखूंगा, म्यू नॉट है तो बी नॉट है, पर अगर मैं बी मीडियम लिखता हूं तो यहां पर भी मुझे म्यू मीडियम लिखना पड़ेगा, ठीक है, नॉट है तो नॉट है, मीडियम है तो मीडियम है, और यहां से बी मीडियम डिवाइडेड बाय एच की रेशियो क्या आएगी, म्यू एम, ये देखो ये तो किया, बी मीडियम बाय एच की जगह म्यू एम कर लेना प्लीज, यहां पे एम म्यू मीडियम, तो सही है, बी मीडियम बाय एच की जगह क्या पुट कर लिया, म्यू मीडियम, और म्यू मीडियम के नीचे म्यू नॉट ले आया, म्यू मीडियम बाय म्यू नॉट क्या होता है, म्यू आर, तो ये देखो आंसर आ गया यहां पे, हर जगह एम 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 कर लेना यहां पे, ये करेक्शन कर लेना, तो यहां पे इसकी जगह जो रिलेशन आएगा एंड में क्या आएगा, म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस काई, ये फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर भी कर लेना, म्यू आर इज ऑलवेज इक्वल टू वन प्लस काई एम, इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा कैसे यूज करना है थोड़ी देर में, पर ये नोट कर लें, म्यू आर की वैल्यू वन प्लस काई एम के इक्वल होती है।